नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना सांख्यिकी का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज का अपना चौथा क्लास है। आज की क्लास में जो है कि हम आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में क्या आयतचित्र, कल की क्लास में हमने जो कि दंडारेख और रेखाचित्र के बारे में क्या क्या अध्ययन किया, आज की क्लास में हम जो कि आयतचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयतचित्र अपने पास में क्या होता है, आयतचित्र अपने पास में क्या होता है, यह असंतत बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है। यह अपने पास में क्या होता है, यह अपने पास में संतत बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है। और जबकि अपने पास में जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था बारंबारता, कल की क्लास में हमने पढ़ा था रेखाचित्र और अपने पास में दंडारेख, उसमें अपने पास में क्या होता है, असंतत बारंबारता बंटन होता है। इसमें अपने पास में क्या होता है, संतत बारंबारता बंटन होता है। आयतचित्र में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक की गणना आयतचित्र द्वारा की जाती है। जो अपने पास में बहुलक होता है, बहुलक की गणना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयतचित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने पास में क्या होता है, आयतचित्र में आयत का क्षेत्रफल, जैसे अपने पास में आयत, ये अपने पास में आयत बन गया लंबाई चौड़ाई, ये अपने पास में आयत बन गया, ये भी अपने पास में आयत बन रहा है, ये भी अपने पास में क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो बारंबारता यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, समानुपाती होगा। आयतचित्र में जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो उसकी बारंबारता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आयतचित्र में एक्स अक्ष पर आयत की चौड़ाई वर्ग परास पर निर्भर करती है, यानी कि अपने पास में एक्स अक्ष आ गया, एक्स अक्ष पर अपने पास में क्या है, आयत की चौड़ाई, ये अपने पास में लंबाई और ये अपने पास में इसकी क्या होगी, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई वर्ग परास पर निर्भर करती है। ये अपने पास में वर्ग परास होगी, वर्ग परास अपने पास में क्या होती है, परास अपने से बड़ा प्रेक्षण और सबसे छोटा प्रेक्षण अपने पास में क्या होता है, परास होता है। तो यहाँ पर अपने पास में आयत चित्र में अक्ष अक्ष पर आयत की चौड़ाई वर्ग परास पर निर्भर करती है, यह समान व असमान हो सकती है। ये अपने पास में आयत है, ये भी अपने पास में क्या एक आयत है, ये भी अपने पास में आयत है, ये भी अपने पास में क्या एक आयत है। इस आयत की अपने पास में ये तो क्या लंबाई है और ये अपने पास में क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी वर्ग परास की क्या होती है, उसकी वर्ग परास पर निर्भर करती है। यह अपने पास में चौड़ाई समान या समान हो सकती है, जैसे अपने पास में यहाँ से आते की चौड़ाई ये अलग है, यहाँ से आते की चौड़ाई अपने पास में अलग है, यहाँ से यहाँ आते की चौड़ाई अपने पास में अलग है, यहाँ से यहाँ आते की चौड़ाई अपने पास में अलग है। तो ये चौड़ाई अपने पास में क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और यह क्या करती है, इसकी वर्ग परास पर निर्भर करती है। और जबकि अपने पास क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, इसकी वर्ग परास पर क्या करती है, निर्भर करती है। आगे आगे अपने पास में चौथा है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज अपने पास में क्या होता है, बारंबारता बहुभुज अगर अपने पास में जो आयतचित्र होता है उस आयतचित्र के जो मिड पॉइंट है, आयतचित्र के जो मिड पॉइंट है उन मिड पॉइंटों को अगर स्केल के द्वारा मिला दिया जाए, जो इसके मध्य बिंदु है उनको स्केल के द्वारा अगर मिला दिया जाए तो अपने पास में क्या बन जाता है, अपने पास में बारंबारता बहुभुज बन जाता है। जैसे अपने पास में मध्यमान के संगत प्राप्त बिंदुओं को मिलाया जाता है, इसमें जो मध्यमान है यह मध्यमान हो गया बीच का मान, मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाया जाता है। बारंबारता बहुभुज में तीखे और नुकुले कोने होते हैं, बारंबारता बहुभुज में अपने पास में क्या होंगे, कोने होंगे, वो अपने पास में तीखे या नुकीले होंगे, इनको क्या करेंगे, स्केल के द्वारा मिलेंगे। तो ये जो डायग्राम अपने पास में बनेगा ये बारंबारता बहुभुज को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। और बारंबारता वक्र में अपने पास में क्या होगा, ये जो कोने हैं ये नुकीले न होकर क्या होंगे, वक्र के आकार के होंगे, कर्व के आकार के होंगे। ये अपने पास में कर्व के आकार में होंगे, कर्व के आकार में होंगे तो अपने पास में कौन सा वक्र हो जाएगा, बारंबारता वक्र हो जाएगा। इसमें अपने पास में क्या होता है, बारंबारता वक्र की प्रकृति न तो आरोही होती है और न ही क्या होती है, अवरोही होती है। जो बारंबारता वक्र होता है उसकी प्रवृत्ति न तो अपने पास में आ रही होती है और नहीं अपने पास में क्या होती है, अवरोही होती है। और बारंबारता वक्र में जो है कि इसको क्या करते हैं, इसके कर्व पार्ट को इसको हम क्या कैसे मिलाते हैं, वक्राकार यानी कि कर्व पार्ट से मिलाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, नुक स्केल से मिलाते हैं। स्केल से मिलाने पर क्या होता है, इसके कोने नुकीले होते हैं, बारंबारता बहुभुज के कोने नुकीले होते हैं और बारंबारता वक्र होता है इसमें इसके जो कोने होते हैं वो नुकीले नहीं होते हैं, ये किसमें किस शेप में होते हैं, कर्व के शेप में होते हैं। जैसे अपने पास में मध्यमान, मध्यमान अपने पास में क्या होता है, इसके निम्न बिंदु और इसका उच्च बिंदु, जैसे अपने पास में निम्न सीमा और उच्च सीमा, जैसे अपने पास में इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो निम्न सीमा कितनी है इसकी 10, उच्च सीमा कितनी है 20, तो निम्न सीमा उच्च सीमा बट्टा 2। तो यहाँ से अपने पास में जैसे 0 से 10 के लिए अपने को ज्ञात करना है तो अपने पास में क्या होगा, 0 से 10 का मध्यमान, इसके अपने पास में उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा कितनी है 0, 0 प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा अपने पास में कितनी है 10 बट्टा 2, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 5, तो मध्यमान कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अपने पास में निम्न सीमा कितनी है 10, उच्च सीमा कितनी है 20, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 10 और 20 30 पे 2 का भाग लगाएंगे 15, तो मध्य बिंदु क्या आ गया, इसके बीच में आ गया, 15 पे आ गया। इसका मध्यमान ज्ञात करना है तो निम्न बिंदु, निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा कितनी है 30 है, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो 30
प्लस 20 50, 50 में दो का भाग लगेंगे तो अपने पास कितना आएगा 25 आएगा, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा इसका मध्यमान हो जाएगा। तो अपने पास में जो आयतचित्र है उस आयतचित्र के जो मध्यमान है उनको स्केल के द्वारा मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है बारंबारता बहुभुज बन जाता है। और स्केल के द्वारा ना मिलाकर किसी वक्र के आकार से, जैसे मैं स्केल का प्रयोग ना करूं और इसको डायरेक्ट ऐसे मिला दूं वक्र के आकार से, तो वक्र के आकार से मिलाया जाता है तो ये अपने पास में क्या बनता है बारंबारता वक्र बनता है। बारंबारता बहुभुज के कोने क्या होते हैं नुकीले होते हैं और बारंबारता वक्र का क्रम न तो आरोही होता है और नहीं क्या होता है अवरोही होता है। ये अपने पास में इसकी प्रकृति न तो आरोही होगी और नहीं अपने पास में क्या होगी अवरोही होगी। और मध्यमान ज्ञात करने के लिए अपने पास तरीका क्या है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा दो। तो निम्न सीमा उच्च सीमा जैसे अपने पास 0 से 10 के बीच ज्ञात करना है तो निम्न सीमा 0 उच्च सीमा 10, इसमें 2 का भाग लगा दो 5 आ जाएगा। तो मध्यमान अपने पास कितना आएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र में क्या कर सकते हैं अंतर कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में अपने को दिया गया है एक वर्ग की निम्न सीमा एल है मध्यमान उसका एम है तो उसकी उच्च सीमा याद करो। तो फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फॉर्मूला अपने पास में होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा दो होता है अपने पास में। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा दो। अपने को क्या दे रखी है निम्न सीमा दे रखी है, निम्न सीमा अपने पास में या मध्यमान बराबर एम होता है, एम बराबर अपने पास में क्या हो गया निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा दो। यहाँ से अपने को क्या दिया गया है, यहाँ से अपने को दिया गया है निम्न सीमा अपने पास में एल है प्लस उच्च सीमा अपने को ज्ञात करनी है, उच्च सीमा अपने को क्या ज्ञात करनी है बट्टा दो। मध्यमान अपने पास में कितना है एम है, मध्यमान अपने पास में कितना है एम है, तो यहाँ से अपने पास में उच्च सीमा क्या होगी 2 को इधर भेजते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2m बराबर ही अपने पास में एल प्लस ये अपने पास में क्या होगी उच्च सीमा। तो यहाँ से अपने पास में उच्च सीमा बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास में हो जाएगी उच्च सीमा बराबर अपने पास में कितनी होगी 2m माइनस का एल, ये अपने पास में क्या होगी उच्च सीमा होगी। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है 2m माइनस एल, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रही है तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं निम्न सीमा या उच्च सीमा ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास में है पाई चित्र या पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का यूज कब करते हैं जब एक ही व्यक्ति वस्तु या संस्था की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना हो, जब एक ही व्यक्ति संस्था या वस्तु की बहुत सी विशेषताओं का यानी कि विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना हो तो हम क्या करेंगे पाई डायग्राम का यूज करेंगे। जैसे एक व्यक्ति का मासिक खर्च है तो उसके लिए क्या करेंगे पाई डायग्राम का यूज करेंगे। जैसे भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, उसका किराए पे कितना खर्च हो रहा है, परिवहन और अन्य पे उसका कितना खर्च हो रहा है, तो उसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन कर एक डायग्राम में क्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने पास में क्या होगा पाई डायग्राम होगा। जैसे अपने पास में एक पुस्तक प्रकाशक की विभिन्न मदों पर होने वाला वे एक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है तो उसमें क्या होगा कागज का कितना खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा कितना है, विज्ञापन का खर्चा कितना है, अन्य खर्चा कितना है, यानी कि सभी विशेषताओं को विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन एक ही डायग्राम में कर देते हैं तो वो डायग्राम कौन सा होता है पाई डायग्राम या पाई चार्ट या पाई चित्र अपने पास में होता है। अगला अपने पास में संचय बारंबारता वक्र। संचय बारंबारता वक्र में क्या होता है केंद्रीय परिवर्ती की माप में माध्य का ज्ञात करने के लिए, यदि माध्य का ज्ञात करनी है तो किसका यूज करेंगे संचय बारंबारता वक्र का यूज करेंगे। संचय बारंबारता वक्र अपने पास में दो प्रकार का होता है, एक तो अपने पास में होता है से कम संचय बारंबारता वक्र, एक अपने पास में होता है से अधिक संचय बारंबारता वक्र। जो से कम संचय बारंबारता वक्र है वो अपने पास में क्या लेस देन ओरिजन, ये अपने पास में क्या एंड मोर ओगिव प्रकृति आरोही प्रकृति का होता है। ये अपने पास में किस प्रकृति का होता है से कम जो संचय बारंबारता होती है वो अपने पास में आरोही प्रकृति की होती है यानी कि कम से ज्यादा की ओर, तो ये अपने पास में मान क्या हो रहा है कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, तो ये अपने पास में से कम संचय बारंबारता होती है उसकी प्रकृति आरोही होती है और से अधिक संचय बारंबारता होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है अवरोही होती है यानी कि बढ़ते से घटता क्रम होता है। तो ये अपने पास में संचय बारंबारता दो प्रकार की से कम और से अधिक संचय बारंबारता, ये अपने पास में आरोही प्रकृति होती है, ये अपने पास में अवरोही प्रकृति होती है। से कम संचय मतलब संचय बारंबारता का प्रयोग किस लिए करते हैं माध्य का ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पाई चार्ट संचय बारंबारता और जो कि बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र के बारे में अध्ययन किया। अब कल की क्लास से हम जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसे माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।